सीएचएस इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा ये वीडियो में जो जो आंसर बताया जाएगा दैट इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ओनली दिस आर नॉट एट ऑल ए बेस्ट आंसर सो आप लोग ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं फॉर बेस्ट आंसर के लिए ये जॉब सीकर को इंटरव्यू फेस करने के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो मेरा प्रीवियस वीडियो का एक्सटेंडेड वीडियो है सो so, क्लिक ऑन द आई बटन एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो पहला क्वेश्चन था कि रूट लेवल में सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज आपने किए हो सो so, ये क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप लोग ये स्टेप फॉलो कर सकते हो फर्स्ट एंड करेक्टिव एक्शन लेना थ्रू डिपार्टमेंट मैनेजर के द्वारा सेकेंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस फ्लोर में प्रोवाइड करना थर्ड सॉफ्ट फ्लोर में फाइवे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना एंड उसका करवाना। Fourth, करवाना। Fifth, करवाना फोर्थ, टॉप मैनेजमेंट को में इन्वॉल्वमेंट फिफ्थ, क्लोज मॉनिटरिंग सिक्योरिटी कैसे हम लोग so, इम्प्लीमेंट अपॉइंट करना है ऑथोराइज पर्सन को जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा सेकेंड कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करने से पहले इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इशू करना जरूरी है थर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करना है फोर्थ लोटो एंड उसका मॉनिटरिंग करवाना है फिफ्थ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इंस्पेक्शन करना है सिक्स अवेलेबिलिटी ऑफ आरसीबी एंड आर्थिंग को इंश्योर करना है सेवेंथ थर्मोग्राफी टेस्ट करना है थर्ड क्वेश्चन था कि लोटो का क्या क्या स्टेप है। सो so, लोटो करने के लिए पहला जो-जो वो मशीन में लोटो करने के लिए अफेक्टेड हो सकता है वो वो एम्प्लॉय को नोटिफाई करना है सेकेंड वो जो मशीन है या इक्विपमेंट है उसको सट डाउन करना है थर्ड उसका जो हजार एनर्जी है उसको आइसोलेशन करना है फोर्थ उसका जो हजार एनर्जी है उसमें कुछ अगर रेसिड्यूल एनर्जी रहा तो उसको डिसिपेट करना है। Fifth, करना है है फिफ्थ लोटो लोटो डिवाइस डिवाइस को अप्लाई अप्लाई करने के बाद उसको एक बार वेरीफाई करना है कि इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेशन एंड डी एनर्जाइज हुआ है कि नहीं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इंटरलॉक एंड लोटो इंटरलॉक का मतलब है ये एक स्विच है जो कि सेफगार्ड करता है ह्यूमन को फ्रॉम मशीन का जो रिवॉल्विंग जो इक्विपमेंट है उससे and जो machine का जो जो का का है 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 या gate है, उसका जो position है, उसको maintain करता है. Interlock machine के द्वारा कोई machine का guard, अगर कोई अगर तरीके से ओपन करना चाहे तो वो मशीन का पावर ऑटोमेटिकली सट ऑफ हो जाएगा इंटरलॉक थ्री टाइप का होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड लॉजिकल लोटोमीन्स Lockout, इसका टैकआउट मतलब है किसी भी तरीके का हम लोग को, इसके लिए हम लो को ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट लोटो सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड हर एक लोटो डिवाइस का क्या क्या काम है एंड क्या क्या यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली जो पर्सन लोटो करेगा उसको एक्सप्लेन करना है उसको समझाना है सेकेंड है आफ्टर लोटो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसका मॉनिटरिंग करने के लिए एंड उसको चेकिंग करने के लिए लोटो रजिस्टर को इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है थर्ड एंटर मेरा लोटो सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं उसके लिए बीच बीच में लोटो सिस्टम का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ऑडिट करना भी जरूरी है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क परमिट के बारे में क्या जानते हो वर्क परमिट एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है एंड ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीड्यूर है जो कि परमिशन देता है किसी भी कंपनी में या नॉन जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्क परमिट सेवन टाइप्स का होता है हॉट वर्क परमिट कोल्ड वर्क परमिट हाइट वर्क परमिट कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट एक्सकन वर्क परमिट एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन वर्क परमिट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड एक वर्क डिपार्टमेंट टीबी के द्वारा जो बंदा एक्चुअल में काम करेगा उसको एक्सप्लेन करेगा फिफ्थ वर्क परमिट का एक कॉपी जॉब लोकेशन में डिस्प्ले होना जरूरी है सिक्स्थ वर्क परमिट का हो रहा है कि नहीं, नहीं उसको चेक करना है एंड जो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आइडेंटिफाई होगा उसको वॉक परमिट में आइडेंटिफाई करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था की कॉन्ट्रेक्टर सेफ्टी के बारे में आप क्या जानते हो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है सेकेंड कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कुछ एनुअल रिटर्न एंड फॉर्म भरना है जो कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए थर्ड कॉन्ट्रैक्टर इवाल्यूशन रेटिंग क्राइटेरिया कंपनी को डेवलपमेंट करना है जिससे क्या कॉन्ट्रैक्टर को रेटिंग दिया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे सेफ्टी परफॉर्मेंस को इंप्लीमेंट करता है एट साइट फ्लोर लेवल एंड बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देना है कि नहीं वो डिसीजन मेकिंग किया जाता है फोर्थ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को साइट में काम करने से पहले उसका सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है फिफ्थ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय का काम करने का टाइम ड्यूरेशन मॉनिटरिंग होना बहुत ही जरूरी है दैट इज साइन इन एंड साइन आउट सिक्स कंप्लायंस मीन कंपनी में जो जो सेड्यूटरी रिक्वायरमेंट जरूरी है वो कॉन्ट्रैक्टर वो वो सैड्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं उसको चेक करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी सिस्टम को सॉफ्ट फ्लोर में इंप्लीमेंट करें उसके लिए पहले एक ऑडिट टीम फॉर्मेशन करना है जो कि कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट का इवाल्यूशन करे सेकेंड एक ऑडिट क्राइटेरिया डेवलपमेंट करना है जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट किया जा सके थर्ड एक फ्रीक्वेंसी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी सिस्टम को ऑडिट करना चाहिए Fifth, में जो जो हुआ, उसका को करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या क्या मेजर की एस्पेक्ट है सो so, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है फैक्ट जिसमें सेक्शन ट्वेंटी वन में फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में बताया गया है वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन के बारे में बताया गया है सेक्शन ट्वेंटी थर्ड में एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीनरी के बारे में बताया गया है सेक्शन ट्वेंटी फोर में स्ट्राइकिंग ऑफ गियर एंड डिवाइस ऑफ कट ऑफ पावर के बारे में बताया गया है सेक्शन ट्वेंटी एट में हॉस्ट एंड लिफ्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन ट्वेंटी नाइन में सेफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का यूज के बारे में बताया गया है सेक्शन 30 में सेफ रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में बताया गया है सेक्शन 31 में प्रेशर प्लांट या प्रेशर वेसल के बारे में बताया गया है सेक्शन 32 में फ्लोर स्टेयर एंड मीन ऑफ एक्सेस के बारे में बताया गया है सेक्शन 33 में पीट साम्प एंड ओपनिंग इन द फ्लोर के बारे में बताया गया है सेक्शन 34 में एक्सेसिव वेट्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 36 में

मॉनिटर एंड चेक करना है ऑक्सीजन लेवल सीओ लेवल लोअर टू एस लेवल एंड उसके बाद कॉन्फाइंड स्पेस परमिट को इशू करना है थर्ड एक स्पॉटर को अपॉइंट करना है नियर द एंट्री ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस मैन होल फोर्थ एक ब्लू फ्लैग को प्रोवाइड करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन दैट कॉन्फाइंड स्पेस वर्क इज गोइंग ऑन फिफ्थ एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करवाना है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन सिक्स ओनली 24 वोल्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने का परमिशन दिया जा सकता है सेवन जो पर्सन भार्टिकली कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री कर रहा है वो पर्सन मस्ट फुल बॉडी हार्डनेस पहनेगा एंड उसका फुल बॉडी हार्डनेस के साथ लाइफलाइन अटैच रहेगा जो कि कनेक्टेड रहेगा आउटसाइड

कैसे हम लोग रेस्क्यू करें के आर ई ए एल ई रियल को फॉलो करना है इसमें आर का मतलब है रिकॉन्सिसाइज दैट मीन्स साइज आप दैट मीन्स कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने के लिए अवेलेबल स्पेस होना जरूरी है सेकेंड इज एलिमिनेट हैजार्ड दैट मीन्स कॉन्फाइंड स्पेस का जो सोर्स ऑफ हैजार्ड है उसको एलिमिनेट करना है थर्ड जो है एक्सेस द कैजुअलिटी दैट मीन्स कैजुअलिटी को

For more information, like and subscribe my YouTube channel.